ओके उसके बाद हम सामने के क्वेश्चंस देख रहे हैं 1.1 प्रैक्टिस सेट का आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 3a + 5b = 26 और a + 5b = 22 आपको दो क्वेश्चंस मिल रहे हैं यहां पर इसको भी सेम साइमल्टेनियस इक्वेशन से हमें सॉल्व करना है तो देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं इसे अब इसमें आपको दो इक्वेशंस दिए तो थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेते हैं सो 3a + 5b = 26 और सेकंड क्वेश्चन दिया आपको a + 5b = 22 आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल रहा है और ये इक्वेशन नंबर 2 इसमें भी हम सेम लिखेंगे कि यहां पर a के कोएफिशिएंट आपको 3 और 1 मिल रहा है लेकिन बाद में आपको एक चीज नजर आएगा कि b के कोएफिशिएंट आपको सेम मिल रहा है और उनके साइन भी कैसे मिल रहे हैं आपको सेम मिल रहे हैं जब कभी साइन सेम होंगे तो उस वक्त आपको सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा और अगर जब कभी साइन डिफरेंट होंगे तो आपको सिंपल एडिशन से भी आंसर आ सकता है तो देखते हैं ये क्वेश्चंस को हम सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 तो कैसे लिखेंगे हम 3a + 5b = 26 सो a + 5b = 22 अब सब्सट्रैक्शन की वजह से यहां पर आपको साइन चेंज होते हुए नजर आएंगे जब यहां पर +5b और -5b गेट कैंसिल होगा 3a में से a के चला गया तो आपको मिलेगा 2a = 26 - 22 = 4 मिलेगा सो a = 4/2 सो a = 2 मिल गया ठीक है अब ये आ गया आपको a की वैल्यू मिल चुकी है उसके बाद हम सेकंड वैल्यू को निकालेंगे जिसमें आपको पुट करना पड़ेगा a = 2 इन इक्वेशन 1 आप 1 या 2 दोनों में से किसी में भी वैल्यू को पुट आउट कर सकते हो तो देखते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 को पुट आउट करके तो क्या मिलेगा सो 3 × 2 = 5b = 26 जब 3 × 2 से कितना हो जाएगा 6 सो 5b = 26 तो आपको मिला 5b = 26 - 6 सो 5b = यहां पर आपको 20 मिल जाएगा b = आपको 20 डिवाइडेड बाय 5 होगा अब यहां पर डिवाइड क्यों हुआ यहां पर पहला नंबर तो सबट्रैक्ट हो रहा है लेकिन दूसरा नंबर डिवाइड क्यों हो रहा है बिकॉज़ जब कभी प्लस या माइनस से सबट्रैक्ट होने वाला या एडिशन होने वाला टर्म होता है इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में चला जाएगा तो समझ जाइएगा कि वो एडिशन या सबट्रैक्शन होगा लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर्स है तो जब इक्वल्स टू के राइट साइड में वो नंबर जाएगा तो उसमें आपको डिवीजन होते हुए नजर आएगा तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू आपको कितना मिला 4 सो आपको a, b की वैल्यू कितनी मिल गई 2, 4 इज दैट क्लियर ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन ओके